Hello student, welcome to our class. Sorry, Imran, account class. आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर. ये हमारा वीडियो का पार्ट चल रहा है. इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे. इंट्रोडक्शन बनाए थे मैंने, उसमें प्रोफोमा बनाया बाद में उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जर्नलिटी के फॉर्मेट भी बताया मैंने कि सारी जर्नलिटी कैसे आती है. और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का है वो भी मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया. तो सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से जाके चेक करें. और प्लीज़ वीडियो को पार्ट के हिसाब से ही देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो है क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 305 में. चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें अब क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, जब भी अब सम स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसका बॉटम में जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, वो पढ़ लें कि वो जनरेटर किसके बुक में बनाना चाह रहे हैं, ड्रॉवर या ड्रॉवी के बुक में. तो लास्ट लाइन में लिखा है कि द जनरेटरी इज इन द बुक्स ऑफ स्वाति. तो आपको जो जनरेटरी, आपका जो मेन क्वेश्चन है वो स्वाति के बुक में जनरेटरी पास करनी है. तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं स्वाति ड्रॉवर है या ड्रॉवी. अब हम टॉप लाइन से स्टार्ट करते हैं. ज्योति ओव्स ₹31,000 टू स्वाति फॉर विच वॉज ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति फॉर 2 मंथ. अभी यहाँ पे स्वाति बिल ड्रॉ कर रही है ज्योति के ऊपर. क्यों? क्योंकि वो ओव्स कर रही है. आप पहला वर्ड देखें, ज्योति ओव्स लिखा है, यानी ज्योति ने उधार लिया हुआ है. ओव्स का मतलब होता है ज्योति ने उधार लिया हुआ है. तो यानी ज्योति ड्रॉवी बन गई और स्वाति ड्रॉवर. और यहाँ पे सेल से सम स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उधार हो चुका है, ये पहले कभी हो चुका है. उसके बारे में हमें एंट्री पास नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे पहले एंट्री ड्रॉज किए. तो आपको बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री पास करनी है. तो बिल अमाउंट है 31,000 और क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ. अच्छा, इस समय में आपको डेट वगैरह कहीं नहीं दिया है, तो आप डेट कॉलम में डेट नहीं लिखेंगे, सीरियल नंबर डाल देंगे 1234 करके. तो पहली एंट्री हमारी बन गई बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की. सेकेंड पार्ट में आता है ट्रांसफर, जो कि बोलते हैं स्वाति यानी ड्रॉवर, स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. यानी ये बिल अभी जो ड्रॉवर है ये ट्रांसफर कर रहा है. इस ऑप्शन मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे कि ट्रांसफर के 3 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड के बाद. पहला होता है या तो डिस्काउंट विद बैंक, दूसरा होता है एंडोस, और तीसरा होता है बैंक फॉर कलेक्शन. तो 3 में से कोई भी एक आता है हमेशा. तो यहाँ पे आ रहा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो आपकी सेकेंड एंट्री बनेगी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. फिर जो थर्ड एंट्री आ रही है वो है ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 एज अ बैंक चार्जेस. तो अब ये बिल ऑनर हो रहा है और ये बिल हमने बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, एजेंट है. तो एजेंट क्या कर रहा है, वो आपके बिहाफ पे जाके पैसा कलेक्ट कर रहा है ड्रॉवी से. तो फिर वो क्या करेगा, आपसे थोड़ा एक अमाउंट चार्ज कर रहा है, उसे हम बैंक चार्जेस कहते हैं 475. यानी 31,000 में से 475 बैंक क्या करेगा, उसमें से एज ए चार्ज निकाल लेगा, यानी उतना पैसा आपको कम मिलने वाला है. चलिए देख लेते हैं इसकी जनरेटी क्या बोलते हैं. हेडिंग इन द बुक्स ऑफ स्वाति ड्रॉवर है, जनरेटी का फॉर्मेट है. पहली एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड. तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की जनरेटरी क्या है, ये हमारी बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति लिखेंगे, ड्रॉवी को ने ज्योति. अमाउंट क्या था हमारा 31,000, डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर डाल देंगे. सेकेंड एंट्री मैंने बताई थी बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बिल आप बैंक को दे रहे हो फॉर कलेक्शन. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक फॉर कलेक्शन को बिल मिला इसलिए डेबिट, और हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया इसीलिए क्रेडिट. अमाउंट सेम रहेगा 31,000. थर्ड एंट्री मैंने बताई थी ये बिल ऑनर हो रहा है और बैंक क्या कर रहा है, चार्ज मार रहा है. ऑनर हो रहा है यानी पैसा आ रहा है, आपको ड्रॉ भी पैसा नहीं दे रहा है, आपको एजेंट हमारा बैंक फॉर कलेक्शन पैसा दे रहा है. तो पहली बार तो पैसा आया बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस, नॉमिनल एंट्री है और ये एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये भी डेबिट में.
टू कौन पैसा दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, तो टू बैंक फॉर कलेक्शन। अमाउंट चेक कर लेते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन 31,000 क्रेडिट में है और बैंक हमारे पास जो अमाउंट आया वो है 30525। तो 30525 कैसे आया, 31,000 में से 475 माइनस करने के बाद, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30525, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट 475 और टू बैंक फॉर कलेक्शन 31,000। ठीक है, इज दैट क्लियर? होप सो देयर विल नो डाउट। प्लीज पहले के वीडियो लिंक पार्ट वाइज देखें, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ताकि आपको जनरेटी पूरा समझ में आए। होप सो देयर विल नो डाउट। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।